नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल में निश्चित तौर पर यह जवाब दिया कि प्रधानमंत्री का पत्र उन्हें मिला है और जातीय जनगणना पर 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने बुलाया है उनसे बात करने के लिए। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या इसमें तेजस्वी यादव भी आपके साथ जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने बिना लाग लपेट कहा कि तेजस्वी यादव ने ही हमें पत्र लिखा था अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए हमने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा और प्रधानमंत्री का न्योता हमें मिला है और 23 तारीख को हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। हमारे साथ तेजस्वी यादव होंगे और उनमें विपक्ष के और भी जो नेता हैं विपक्ष के साथ, वो भी जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने। शाम में अंतिम रूप से हो गया वो अगले 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे तो सब लोग जाकर के वहाँ पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे। तो ये तय हो गया मिलने का। आज राजभवन आए थे सर, कुछ खास यहाँ आपकी बात होती है? कभी कभी कोई जरूरत होता है तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो जो बात होती है ना, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह का, वाइस चांसलर का उसमें विचार विमर्श कर, तो वही विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। आरजेडी में बड़ा आपस में खटास पैदा हो गया है, बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। भाई पार्टी का इंटरनल क्या है वो उनका इशू है, उसमें हमको कभी कोई इन सब विषयों पर हमने ध्यान देते हैं ना कोई प्रतिक्रिया। जगदान सिंह इतने पुराने नेता हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनको उनकी औकात क्या है, ऐसे बताई जा रही है। पार्टी के अंदर कोई ऐसी के बारे में बोलता है तो उनके अंदर की बात है, उसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठीक सर, तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ पीएम से मीटिंग करने? तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ? हाँ, जितने विपक्षी नेता हैं तो है ही, तो बीजेपी जानते नहीं हो, तो वही लोग ना मिले थे सबसे पहले, हाउस चल रहा था तो उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया था ना तेजस्वी जी के साथ और उनके पूरे जो अपोजिशन के सभी लीडर्स थे सब लोग मिले थे और उन लोगों ने ये बात सामने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव मिलना चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो इसको भेजेंगे और वही इसके बाद भेज दिए थे हम लोग। ये तो हुआ ही, उनको जाना ही है, सूचना भी दे दी जा चुकी है, सब कुछ जानकारी दे दी गई कि जो खबर आई है तो कल देर रात में करीब करीब सूचना आई थी अंतिम, तो उसके बाद सब लोगों को सूचना दे दी गई। बीजेपी के लोग भी रहेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल आज भी बात हुई है तो अभी नाम देने वाले हैं। और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को क्या कुछ आश्वासन मिलता है जातीय जनगणना में प्रधानमंत्री के तरफ से, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।